जल शक्ति बागवानी राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाकर गांव में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है ताकि गांव के विकास में तेजी आए। बेसदर उपमंडल के तहत पंडो के समीप ग्राम पंचायत सियोग में 36 लाख रुपए की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन के उद्घाटन के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को और गति देने में नवगठित पंचायतें कारगर होंगी। नई बनी पंचायतों के भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने TCP अधिनियम में संशोधन कर प्लानिंग व विशेष एरिया में शामिल कुछ क्षेत्रों को इनसे बाहर कर हजारों परिवारों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। क्षेत्र में सड़कों के सुधारीकरण के अलावा पेयजल और सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने के सपने को साकार करने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हिमाचल जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल पहुंचाने और इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में अव्वल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से शुद्ध जल प्रदान करने के लक्ष्य के साथ कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले हिमाचल में जुलाई 2022 तक ही 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान सियोग महेंद्र पाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए ग्राम पंचायत की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। भाजपा सदर मंडलाध्यक्ष मनीष कुमार, मंडल सचिव फतेह राम, उपमंडलाधिकारी सदर मंडी शाहजाद आलम, अधिशांशी अभियंता ग्रामीण विकास छवील चंद, जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह, जल शक्ति विभाग अधिशांशी अभियंता नवीन हजारी, खंड विकास अधिकारी चेतराम, उप प्रधान राम राम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो भवनों के उद्घाटन के साथ साथ उनके गिरना, पत्थर निकलना शुरू, ऐसे भवन भी देखे हैं। मैं ढेर सारी बधाई जो है यहाँ की जनता को, ठेकेदार को, और विशेष बधाई जो है वो प्रधान महेंद्र पाल जी को और श्री उप प्रधान श्री फतेह राम जी को। हमेशा आदमी के साथ अच्छाई और बुराई जाती है। राजनीति में आकर के जो अच्छा करेगा उसको लोग दुआएं देते हैं, और दुआओं का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लिखित में कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। दुआएं और बददुआएं ऐसा नहीं है, पर तकड़ी के दो है। कईयों को दुआएं मिलती है, कईयों को बददुआ मिलती है। लोग जब किसी भी प्रत्याशी को अपने मतों द्वारा चुनते हैं, मतदान का मतलब है वो जब अपना व्यक्ति विशेष जब अपना वोट डालता है तो जिसको डाल रहा है वो अपने आप को उसको समर्पित कर रहा है कि अब आप हमारे रक्षक होंगे, आप हमारे सेवक होंगे, आप हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे, आप हमारे खरे पूरे टाइम में जो है आप हमारे